नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी का पर्व मनाया। आरएसएस के शस्त्र पूजा के दौरान पहली बार महिला मुख्य अतिथि संतोष यादव मौजूद रहीं। संतोष दो बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला हैं। वहीं इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी में हम धार्मिक असंतुलन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। नागपुर में संघ के दशहरा समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत मौजूद रहे। पहली बार दशहरा समारोह की चीफ गेस्ट संतोष यादव और संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेड़केवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या जितनी अधिक होगी बोझ उतना ही ज्यादा होगा। हमको यह देखना होगा कि हमारा देश 50 साल के बाद कितने लोगों को खिला और झेल सकता है। इसलिए जनसंख्या की एक पॉलिसी बने और यह सब पर समान रूप से लागू हो। धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन ऐसा विषय है जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जनसंख्या असंतुलन से भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होता है। जन्म दर में अंतर और लालच या घुसपैठ की वजह से होने वाले धर्मांतरण भी बड़ी समस्या है। मोहन भागवत पहले भी कह चुके हैं कि जनसंख्या बढ़ाने और खाने का काम तो जानवर भी करते हैं। जंगल में सबसे ताकतवर रहना जरूरी है, ताकतवर ही जिंदा रहेगा, ये जंगल का कानून है। इंसानों में ऐसा नहीं होता। इंसानों में जब ताकतवर दूसरे की रक्षा करता है तो यही इंसानियत की निशानी होती है। नौ दिन रात्रि शक्ति की उपासना करने के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली अश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित है। शक्ति सारी बातों का आधार है, शक्ति शांति का भी आधार है, शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचान था, दूसरों के दुख को दूर करना उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है, क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति भी तो शांति का ही आधार है। ऐसे शक्ति उपासना का यह उत्सव है, विजय का यह उत्सव है, और संयोग है कि उसमें प्रमुख अतिथि के नाते उपस्थित श्रीमती संतोष यादव जी उसी शक्ति का, ऊर्जा का, चैतन्य का प्रतिनिधित्व करने वाली है। गौरी शंकर की ऊंचाई को दो बार उन्होंने पाटा है। संघ के कार्यक्रम में ऐसे समाज की जो कर्तृत्व संपन्न, प्रबुद्ध, सबके लिए आदर्श उपस्थित करने वाली माता भगिनी है, उनको निमंत्रित करना, उनका उपस्थित रहना, उनका प्रमुख अतिथि बनना, यह डॉक्टर साहब के समय से ही चलता आ रहा। देख रहे हैं दखल न्यूज़।